मंजू मॉम्स किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं ढोकला विद प्रीमिक्स। पहले हम प्रीमिक्स बनाएंगे और उसी प्रीमिक्स से फिर हम ढोकला बनाएंगे। तो ये देखिए आप, जो मैंने ढोकले बनाए हैं कितने स्पॉन्जी हैं, कितने जूसी हैं, ये देखिए। तो पहले हम प्रीमिक्स बनाएंगे इसका और फिर हम इसी से ढोकला बनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू। तो अभी हम यहाँ पे बना रहे हैं प्रीमिक्स। ढोकले का पहले प्रीमिक्स बनाते हैं ताकि हमें इसको जब भी हमें बनाना हो फटाफट निकाला कटोरी से और यूज़ लिया, न घोलने का झंझट न माथा पच्ची। यहाँ मैंने लिया है 2 कप बेसन, इसको मैं मिक्सी जार में शिफ्ट कर देती हूँ। आप इसको स्टोर करके रख सकते हैं। यहाँ मैंने ली है 3 चम्मच शुगर की, ये मैं इसमें ऐड कर देती हूँ। जो हम घर पे यूज़ लेते हैं शुगर, ये वही शुगर है। ये मैंने ली है 3 चम्मच रवा, जो घर पे बनाई है, मोटी सूजी है ये। आप चावल को पीस के उसके बना सकते हो, आप मोटी वाली सूजी है ये मार्केट से ला सकते हो रवा। और मैंने यहाँ लिया है 2 चम्मच इनो और मैं पिंच हल्दी डाल रही हूँ ताकि इसका कलर अच्छा आ जाए। हमें हल्दी ज़्यादा नहीं डालनी है क्योंकि हम ये सोचते हैं कि हल्दी की वजह से कलर आएगा, बट हल्दी की वजह से कलर नहीं आता है। अगर ज़्यादा आपने हल्दी डाल दी है तो वो हल्दी जब हीट होगी, मॉइस्चर जब इसका निकलेगा ढोकलेगा, तो वो ब्राउनिश कलर में आ जाएगी, तो वो कलर हमें अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए हमें सिर्फ हल्दी, पिंच हल्दी ही डालनी है। सॉल्ट टेस्ट अकॉर्डिंग, अब हम इसको सारे को मिक्स कर लेते हैं। ये हमने इसको मिक्सी में पीस लिया है और अब हम इसको इसमें शिफ्ट कर देते हैं। इसको बिल्कुल बारीक पीसना है ताकि जो शुगर और ये है सारा इसमें मिक्स हो जाए। ये देखिए प्रीमिक्स हमारा रेडी हो चुका है। अब हम इसको ढोकले बनाते हैं, इसी से ढोकले बनाते हैं। तो इधर मैं पैन को गरम करने के लिए रख देती हूँ। तब तक हम तैयारी करते हैं अपने मिक्सर की। तो ये हमने प्रीमिक्स, जो हमने प्रीमिक्स बनाया है ये हम लेंगे 1 कप। ये हमने लिया है 1 कप। इसको हम छान लेंगे चलने से। छान इसलिए रहे हैं कि इसमें एयर कॉर्पोरेट हो ताकि ये और ज़्यादा स्पॉन्जी बने, क्योंकि हम ये प्रीमिक्स बना के रख देते हैं तो ये जो बेसन है ये तले में बैठ जाता है। ये लीजिए, अब हम इस मिक्सर में हम डालते हैं 2 टेबलस्पून ऑयल और हम इसमें साथ में डालते हैं लेमन जूस, ये भी 2 चम्मच है। अब हम इसको इसमें डालते हैं पानी 3/4, 1 कप 3/4
वाटर। और अब हम इसको अच्छे से बैलून विस्कर से मिक्स कर लेते हैं। हमें इसके जो ढोकले का हम ये बैटर बना रहे हैं, हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि इसको एक ही साइड बीट करना है हमें, एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज। ये देखिए जो इसमें बबल्स आ रहे हैं, ये देखिए जो इसमें बबल्स आ रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी है। हमें इसको मिक्स कर लेना है, हमें इसको ज़्यादा मिक्स नहीं करना है। ये लीजिए, हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। अब हम इसको 20 से 30 सेकंड के लिए रखते हैं। इतने हम हमारा जो ये टिन है इसको ऑयल से ग्रीस कर लेते हैं। ताकि निकलने में इजी रहे। ये लीजिए हमारा टिन भी रेडी है। अब हम इस बैटर को इसमें डाल देते हैं। ये हमारा बैटर रेडी है। हमें इस बैटर को टैप नहीं करना है, क्योंकि जो ये अगर हम टैप करेंगे तो जो ये बबल्स हैं ये हमारे फूट जाएंगे। तो अब हम इसको शिफ्ट करते हैं इसमें और इसको कवर करके रख देते हैं। हमने इसको कवर कर दिया है 30 मिनट के लिए। जो इसकी फ्लेम है वो आपको सेम रखनी है, चाहे आप इसको लो मीडियम पे रखिए या बिल्कुल हाई रखिए, लेकिन जो भी आप इसकी फ्लेम रख रहे हो ये बिल्कुल सेम होनी चाहिए स्टार्टिंग से लेके 30 मिनट्स तक। क्योंकि अगर आपने फ्लेम को कम ज़्यादा कर दिया तो ये जो ढोकला है ये स्पॉन्जी नहीं बनेगा और फूलेगा नहीं। ढोकला हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब मैं इसको 10 मिनट ऐसे के ऐसे ही इसको रेस्ट करने के लिए रख देती हूँ और हम तैयारी करते हैं अपने लिक्विड की। हम इसमें डालते हैं 2 चम्मच के लगभग ऑयल। ऑयल गर्म हो गया है, हम इसमें डालेंगे मस्टर्ड सीड, राई के दाने। अब हम इसमें डालेंगे करी लीव्स। करी लीव्स ये ऑप्शनल है, अगर आप नहीं डालना चाहें तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। जैसे दिल्ली में और यहाँ देते हैं तो इनमें करी लीव्स डाल के नहीं देते हैं, तो आप इन चीज़ों को स्किप कर सकते हैं। अब हम डाल रहे हैं यहाँ पे हरी मिर्ची, थोड़ा सा इसको फ्राई होने देंगे, हल्की से फ्राई होगी। हमने इसमें कट मार लिया है ताकि ये कोई इंसिडेंस ना हो मिर्ची में। मिर्ची फ्राई हो चुकी है हल्की सी, अब इसमें डालते हैं हम पानी। इसमें जाएगा लेमन जूस और इसमें जाएगी शुगर, 2 चम्मच शुगर। अब इसमें एक उबाल आने दीजिए, तब तक हम इसको मिक्स कर देते हैं। और इसमें जाएगा सॉल्ट टेस्ट के अकॉर्डिंग। देखिए हमारा स्पंज बिल्कुल तैयार है, बिल्कुल स्पंजी स्पंजी। अब हम इसमें कट लगा लेते हैं, देखिए बिल्कुल क्लीन निकला है। हमेशा जब भी आप इस पे लिक्विड डालें तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि ना तो ढोकला ज़्यादा गर्म होना चाहिए और ना ही
पानी ज़्यादा गर्म होना चाहिए। अगर पानी और ढोकला दोनों ज़्यादा गर्म होंगे तो ये काफ़ी लिसले से हो जाएंगे। तो इसलिए हमेशा हल्का गर्म ढोकला होना चाहिए और लिटली गर्म ही पानी होना चाहिए। ये देखिए मैं आपको दिखाऊँ इसका स्पंज, ये देखिए विदाउट लिक्विड डाले है ये। ये हल्का सा ल्यूकवॉर्म है और मैं इसको इस पर डालती हूँ सारे पे। देखिए इस तरीके से, अब इसमें हमने डाल दिया शुगर प्लस लेमन जूस, तो ये खट्टा मीठा तीखा सारे इसमें फ्लेवर हैं। अब हम इसमें पानी डाल के लिक्विड डाल के और इसको फ्रिज में ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। अभी हम इसको 15 से 20 मिनट के लिए बाहर ही रखेंगे, फिर हम इसको फ्रिज में ठंडा होने के लिए रखेंगे। ये लीजिए हम इसको अभी ठंडा होने के लिए बाहर ही रखते हैं, फिर हम इसको फ्रिज में सेट करेंगे, मतलब फ्रिज में रख देंगे। ढोकला रेडी है, अब हम तैयारी करते हैं प्लेटिंग की। ये देखिए मैं आपको दिखाऊँ इसका स्पंज, ये देखिए ये लीजिए हमारा परफेक्ट ढोकला विथ प्रीमिक्स। अगर आपको मेरा ये ढोकला अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। थैंक यू सो मच।